टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स। इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ में आया, पूरा का पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी खत्म हो जाएगा अगर आपको नेमिंग करने के लिए आ गया था। तो नेमिंग इज वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको समझ में आना चाहिए। कंडीशन रूल लगा दोगे कि किस रूल से हो रहा है, किस कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको नेमिंग नहीं समझ में आया कि नेम कैसे लिखते हैं, तो स्केल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेमिंग हमेशा ध्यान रखने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सिखाऊंगा तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी। सर कॉन्ग्रुएंसी का सर पहले तो मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर होता है एकदम एक जैसा, है ना, इज इक्वल टू। तो सर चार के बराबर सर क्या चार, है ना। अभी जैसे मैं सर बोलूँ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सर दो हो सकता है। अगर कोई ट्रायंगल है जिसका सर साइड तीन 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 है, तीनों साइड सर तीन सेंटीमीटर, ट्रायंगल क्या सर तीन तीन और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल को सर बड़ा करके बना देते हैं सर छः छः और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट क्या दोनों सर एक कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, जस्ट सेम है कि मेरे मेरा पासपोर्ट साइज फोटो बना दीजिए। तो सर मैं जिस रेस्पेक्ट में सर मेरा चेहरा बना है, मेरे सेम एक्सपेक्ट को सर छोटा करके मेरा क्या बन जाएगा? तो क्या दोनों चीज सेम है? नहीं, हम दोनों सर सिमिलर, यही सिमिलैरिटीज पढ़ना है सर क्लास 10 में। बट सर हम दोनों सर सेम नहीं है, एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है कि नहीं। तो जब तक मेरा क्लोन आकर के बगल में खड़ा नहीं होगा, हम दोनों सर कॉपीड नहीं क्लियर है कि नहीं? तो सर एग्जैक्ट कॉपी मतलब सर तीन 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 तीन, तो सर दूसरा ट्रायंगल भी कितने का रहे? क्लियर है? मतलब सर जो मेरा जो पासपोर्ट साइज फोटो बना, वो जो दूसरा उस पासपोर्ट साइज से, मतलब कि मैं बोलूँ सर 10 पासपोर्ट साइज फोटो बना, ठीक है। तो मैं और मेरा पासपोर्ट साइज फोटो तो सर सेम नहीं है, बट वो दोनों जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो सेम है। तो सर वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और हम और वो पासपोर्ट साइज फोटो क्या है? सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या है? हम और वो पासपोर्ट साइज फोटो सिमिलर है। वो पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये चीज़ें समझ में आती है, कोई दिक्कत इसमें पक्का यार, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी, जैसे कि सर का मैं बोलूँ सर एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब सर 10 सेंटीमीटर का भी सर स्क्वायर हो सकता है, एक बड़ा सा स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का भी सर एक स्क्वायर हो सकता है, लेकिन सर दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों का सर डायमेंशन सेम, मतलब सर शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो दिक्कत है सर, शेप एंड साइज मस्ट बी इक्वल, देन द फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। क्लियर होना ज्यादा किसी लोगों को दिक्कत है सर। हम लोगों को जो कॉन्ग्रुएंसी डील करनी है सर, हर फिगर के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है सर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ना है सर? ट्रायंगल्स के ऊपर। तो सर दो ट्रायंगल्स सर कॉन्ग्रुएंट कब कब होंगे? देयर आर सम क्राइटेरिया दैट इज दैट आर गिवन सर, ये सारे फुलफिलमेंट हो जाएंगे तो सर दो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर सर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या क्या होगा? तो सर जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर शेप तो सर सेम है, ट्रायंगल के बारे में ही कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो सर शेप के बारे में सर कोई कमेंट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सर ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तो सर कॉन्ग्रुएंसी देख नहीं रहे हैं, देख तो सर एक ही जैसे शेप में रहे हैं, जबकि वो क्या है? वो शेप क्या है? ट्रायंगल। क्लियर है यहाँ तक? अब सर आगे बढ़ते सर इसे थोड़ा सा पार्ट पे आ गए, जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मैं इतने देर से सर बोल रहा हूँ कि सर ये 3 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सर दूसरा भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बनना चाहिए, वो कितने का? मतलब सर तीनों का तीनों साइड्स एक दूसरे के, अच्छा मतलब एक दूसरे का, मतलब क्या ये दोनों बराबर होना चाहिए? ये ट्रायंगल अगर 3 सेंटीमीटर का है, अगर एबीसीडी एबीसी, तो सर जो ट्रायंगल पीक्यूआर है ये भी, मतलब सर ये तीन इसके तीन, और अगर मान लो तुमने इसको 4 बोल दिया, तो ये भी तर कितना होना चाहिए? 4। और तुमने अगर इसको 5 बोला है, तो इसको 5 बोलना पड़ेगा। सर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। जैसे ही ट्रायंगल को आपने कह दिया सर कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इससे सर जो चीजें निकल करके आएगी, जो रिजल्ट्स निकल करके आएगा, वो हमको पता है सर करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, सर करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, सर दूसरा क्या होगा? सर
करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सर तीन और चार के बीच का एंगल सर ये एंगल है, तीन और चार के बीच का एंगल पी है ना, तीन और पांच के बीच का एंगल बी, सी का आंसर, तीन और पांच के बीच का एंगल सी है भैया। चलो आपको ये भी समझा देता हूँ जितने लोगों को नहीं पता, सर जब हम लोग सर एक नाम बोलते हैं सर पी या ए, तो सर जब हम लोग पी और ए बोलते हैं सर, दिस इज अ नोटेशन फॉर द पॉइंट, एक पॉइंट को जब आपको डिनोट करना हो तो आप एक लेटर बोलोगे ए, या फिर आप बोलोगे पी, या बोलोगे बी, या बोलोगे सी, तो ये जब एक पॉइंट मेंशन हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, सॉरी एक लेटर जो हम लोग मेंशन करते हैं तो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, पॉइंट को हम लोग रेफर करते हैं। इज इट क्लियर ऑन आया ना। दूसरा कि जब हम लोग सर जब पी ए बोल दिए, दो पॉइंट को एक साथ बोल दिए तो हम लोगों ने एक साइड को रेफर किया, तो हम लोगों ने जब ए बी बोला तो हम लोगों ने साइड रेफर किया, हम लोगों ने पी क्यू बोला, हम लोगों ने जब क्यू आर बोला, हम लोगों ने जब बी सी बोला साइड बोला, राइट। जब हम लोग तीन नाम लिए, हम लोगों ने बोला सर पी क्यू आर, हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया, उस एंगल के बारे में बात किया सर लोगों के बीच में, दैट इज पी क्यू एंड आर। ये क्या बताया सर एंगल का फॉर्म होता है, जब दो लाइन आपस में मीट करेगी तभी जाकर के एंगल फॉर्म होगा, ये दो लाइन आपस में मीट ही नहीं किया एंगल फॉर्म होगा क्या, जब तक एक कॉमन पॉइंट दो लाइन के बीच में नहीं है तब तक एंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब सर यहाँ पर पी क्यू आया, क्यू आर आया, मिला और एंगल फॉर्म हो गया पी क्यू आर, जब तक मिलन नहीं होगा तब तक एंगल फॉर्म नहीं होगा, एंगल बन गया पूरा हमारा ना। यही तुमको समझ में भी आ सकता है, इतना देर से काम का टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ गया तो हमको समझ रहे, तुम क्या समझ रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान कहीं और ही है, तुम उसको क्या देख रही हो, बोर्ड पे पढ़ा रहे, देख उसको, आर्यन को बोले तो आर्यन दोनों नहीं देखे पीछे घूम करती नहीं। और सर दोनों में सर जो कॉमन पॉइंट है पी क्यू और क्यू आर में सर कॉमन पॉइंट क्या है, वहीं पर सर एंगल फॉर्म हो रहा है, बोला नहीं है दो पॉइंट का अगर मैं नाम ले लूं तो लाइन सेगमेंट, तीन पॉइंट ले लूं तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर, देखिए सर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट, ए बी दिख रहा है बोर्ड, वहां को बोर्ड को देख, ए बी दिख रहा है, बी सी में बी सी दिख रहा है, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, सर एंगल ए बी और बी सी सर कौन सा एंगल बना रहा है, साइड सॉरी साइड ए बी और बी सी कौन सा एंगल बना रहा है बी, तो मतलब तीन और पांच साल वाली साइड जो है तीन सेंटीमीटर वाली कौन सी साइड, ए बी, पांच सेंटीमीटर वाली कौन सी साइड, कौन सी एंगल फॉर्म कर रही है बी, तो वैसे ही यहाँ पर तीन और पांच सेंटीमीटर वाली कौन कौन सी साइड है, तीन पी क्यू, क्यू पी क्यू, तीन अगर मैं बोलू तो पी क्यू, पांच बोलू तो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पी कौन बोला, कहाँ थे अंदर, तुम भी बहुत बड़े गलती हो समझ रहे हो, तुम भी गलती से ही निकले हो, पी क्यू और क्यू आर में तुमको क्यू कॉमन पॉइंट नहीं नजर आ रहा, फिर बोलो गलती हो गया, दिख रहा है अभी क्या कॉमन पॉइंट है, अब गलती नहीं होगा ना, गलती हो तो सोचना पहले एक बार क्या सोचोगे, ये हम गलती तो नहीं है, हो गलती नहीं हो ना, पक्का है ना, विश्वास है ना, हाँ कहना नहीं है या तो ये गलती जब है तो अपने बारे में क्या सोच, क्या तुम्हारा कॉपी कम लिख हुआ, हाँ कॉपी घर पे होगा लाए कॉपी चेक करा सब कंप्लीट होने का मतलब कुछ हो दिया है लेकिन उसका कॉपी का तो नहीं, तीन को चैप्टर है पढ़ा, दो को बच गए,
एक कितना दिन बाइनोमियल्स नया चैप्टर क्रिएट कर दिया मैंने फैक्टराइजेशन तीन चार और एक्सपेंशन भी आप लोगों को चैप्टर है ना एक्सपेंशन पांच चैप्टर पढ़ा और पांच चैप्टर में कितना पेंडिंग है एक तो अभी तुम बोले एक पेंडिंग है आइए इधर तो सर तीन और पांच सेंटीमीटर से बनने वाले से कौन से एंगल है दिख रहा है नहीं दिख रहा कौन सा बोलोगे है ना और इधर तीन और पांच से बनने वाला कौन सा बस देखना सर कौन सा कॉमन पॉइंट है पी क्यू और क्यू आर में तो क्यू है तो इधर पे तीन और पांच वाला अच्छा मुझे तुम मुझे कौन बताएगा मुझे बताएगी सांभवी बताएगी सर पांच और चार से बनने वाला सर कौन सा एंगल है इसमें इतना स्टाइल से आर बोली भी पता नहीं क्या बोल रही है हमको लगा पूरा इंग्लिश आर ही सीख लेंगे अंशु बेटा इसमें पांच और चार से बनने वाला सी कौन सा सी ऐसे क्या सीधा करोगी तो भी देख जाएगा हमको हिमांशु नहीं आया है क्या फीवर चढ़ गया चाउमीन खा रहा था फीवर खा रहा था पांच और चार आर है इधर पांच और चार कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आता है कि नहीं आता कोई दिक्कत है अच्छा मैं अगर इसको चेंज कर दूं इसको मैं पांच कर दूं इसको मैं चार कर दूं तो सर तीन और चार से मिलने बनने वाला एंगल क्यू पी कौन सा तीन और चार से बनने वाला एंगल कौन सा इसमें कौन सा अरे सबको दिख रहा है अरे एक साथ बोलेंगे तीन और पांच तीन और चार से बनने वाला एंगल दिखा कि नहीं दिखा इसमें सर तीन और चार से बनने वाला मैं अगर सर इसको चार कर देता हूँ इसको पांच कर देता हूँ तीन और पांच से बनने वाला एंगल किसके बराबर होगा तीन और चार से नहीं होगा तीन और पांच से बनने वाला एंगल कौन सा है बी तो इधर तीन और पांच से बनने वाला किसके बराबर है तो एंगल बी किसके बराबर इधर भी सर वही दो साइड पकड़ेंगे जो दो साइड यहाँ पर दो साइड के बराबर है अब सर हो सकता है सर इसको घुमाना पड़े जस्ट लाइक कि सर अगर मैं आपको दो ट्रायंगल ला करके दे दूं एक तीन सेंटीमीटर का सर ट्रायंगल ऐसा ला करके दूं एक तीन सेंटीमीटर का ट्रायंगल ऐसा ला करके दूं तो क्या ये दोनों सर इक्वल नहीं है, है? बस खाली मैंने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया उल्टा कर दिया है कि नहीं जब दो फिगर को आपको सर एक दूसरे के ऊपर फिट करना होता है आप लोगों ने बचपन में पजल गेम्स खेला होगा तो सर आपको घुमा घुमा करके फिट करने बैठाना पड़ता है कि नहीं पड़ता तो सर सेम लाइक ये तो सर कैसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने दो साइड पकड़ लिया सर तीन और पांच तो तीन और पांच के बीच वाला एंगल कौन सा बी तो इधर भी तीन और पांच पकड़ बी इधर चार और पांच पकड़ा इधर चार और पांच पकड़ इधर तीन और चार पकड़ा इधर तीन और चार पकड़ अभी तो सर ये हम लोगों कब कहेंगे सर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर तब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तब अब ये कैसे 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 होंगे ये जरा सा सुन लेते हैं कहानी यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत पक्का अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आता अगर आपको कुछ लिखने का इच्छा हो तो आप लिखिए ना वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि सर जो हम लोग को रूल्स देखना है जिससे सर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह पाए पहला सर ट्रिपल एस साइड 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 अगर सर दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो जाते हैं तो आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं सर अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट क्यों कह रहे हैं सर कॉन्ग्रुएंट सर इसी वजह से कह रहे हैं सर ताकि हम लोग सर फाइनली ट्रायंगल के साइड्स को इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कह पाए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल कह पाए यही एजेंडा है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहने का ठीक है तो सर पहला चीज क्या है सर ट्रिपल एस इस साइड 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 सर दूसरा साइड क्या होता है दूसरा चीज क्या होता है सर साइड एंगल एस ए एस साइड एंगल और साइड अभी सर देखिएगा सर एक कोई पेन है सर मान लीजिए सर तुम्हें ट्रायंगल सर ये सर दिस इज माय ट्रायंगल है ना ये बोल रहा है सर कि दो साइड आपको वैसा दो साइड लेना है और एंगल भी सर उसी दो साइड से बना हुआ मान लीजिए कि आपने सर ये साइड लिया और ये साइड लिया है ना ब्लैक वन एंड रेड वन तो एंगल सर आप ये वाला एंगल नहीं ले सकते
ये एंगल आप कंसीडर नहीं कर सकते। आपको कौन सा एंगल कंसीडर करना है? ऊपर वाला, ये वाला जो कि ब्लैक और रेड से बन रहा है, राइट। तो सर ये भी एग्जैक्टली अगर देखोगे तो सर ये भी सर साइड 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 को ही सर डिनोट कर रहा है, मतलब ये तीनों साइड पे ही कमेंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ये देखो, जब तक सर ये एंगल चेंज नहीं होगा इस पेन की सर लेंथ यही रहेगी। इसको जैसे मैंने यहाँ पर सर चेंज कर दिया एंगल, अब देखो पेन का एंगल चेंज नहीं, जैसे मैंने एंगल को बढ़ाया ये पेन का लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्ट पड़ गया, छोटा पड़ा या नहीं पड़ा? तो मतलब सर अगर सर एंगल कॉन्स्टेंट है इस दो साइड की, तो जो तीसरे साइड है वो तीसरा साइड भी सर दूसरे ट्रायंगल का क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो सर इसीलिए सर क्या बोलता है सर, इसीलिए सर बोलता है कि सर वैसा दो साइड आपको ऑफ करना, और एंगल कहाँ का होना चाहिए? उसके बीच का, है ना। तो सर अगर मैंने सर दो ट्रायंगल ऐसा लिया है, सर ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एंगल इस पे कमेंट नहीं कर सकते आपको कौन ना तो आप इस एंगल पे कमेंट कर सकते हो। आपको सर एंगल पे कमेंट करना है तो इस पे करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इज इट डन ऑन नॉट? दिस इज माइन एस ए। तीसरा आता है सर ए एस, ये कह लीजिए या सर ए ए एस कहिए। अगर ये कह सकते हैं तो सर हम ये भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं सर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अभी सर समझिएगा सर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर क्या होता है? ए बी सी पी क्यू, ये एंगल सर इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, राइट। तो सर अभी मैं कह रहा हूं सर दो एंगल, एंगल साइड एंगल क्या होगा? एंगल एंड देन साइड एंड देन दो एंगल को सर जो साइड कंटेन कर रहा हो वो साइड आपको कंटेन करना। एंगल एंगल ये साइड ना हो जाए, अगर ये साइड हो जाएगा तो सर कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल एंड देन साइड। यहां से अगर बोलेंगे एंगल एंगल अगर ये साइड रहेगा तो साइड। क्लियर है? मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। मैं बताऊं कैसे? देखो ये 30 बोलता हूं, ये 100 बोलता हूं, ठीक है, ये चलो ये इसको 80 बोलता हूं, ये 30 और ये 80, तो सर सम कितना? 110। तो ये कितना हो जाएगा? अभी सर आप इधर भी बोलो 30 और इसको भी बोलो, ये कितना हो जाएगा? तो सर ये मैं ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों सर? मुझे ये कहिए सर तीनों का सर सम क्या है? 180 कांस्टेंट है। आप दो को सर फिक्स कर दिया तो सर तीसरा नंबर फिक्स ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। दोनों का सम करके सर उतने से डिफरेंस कर दो, और इधर से भी सर दोनों का सम सर उतना ही आ रहा है, आगे ना। तो सर अगर ट्रायंगल का सर दो एंगल बराबर हो जाएगा तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब मैंने सर ये कहा कि सर अगर मुझे सर ये साइड दिया गया था, ये साइड इसके बराबर, तो आप यहां से कहते हैं एंगल एंगल और साइड, मैं इसी को एंगल साइड एंगल भी कह सकता हूं। कैसे सर? मैंने सर ऑटोमेटिक ये दोनों अगर एंगल बराबर है दोनों के, तो ये दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर है। अब देखो एंगल साइड आया ना। तो अगर कोई ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो वही ट्रायंगल एंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन सर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई ट्रायंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा हो तो एएसए से भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। लेकिन सर अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। तो आपको नाम नेमिंग वाला ध्यान से करना, एंगल साइड एंगल है या एंगल एंगल साइड। क्लियर है? एंगल एंगल साइड का मतलब दो एंगल और कोई तीसरा साइड। अब एंगल साइड एंगल कब? दो एंगल के बीच वाला साइड। क्लियर है? और सर एसएएस क्या कहता है सर? दो साइड और उसके बीच का एंगल। क्लियर है? तो जी सर एस ट्रिपल एस पता है सर तीनों का तीनों साइड पे कमेंट करना। क्लियर है? अब सर हम लोग सर चलते हैं चौथा, और सर ये एकदम स्पेशल सर ये है RHS, only applicable in right angle triangle, only applicable in right angle triangle। मतलब सर क्या right angle triangle में सिर्फ यही लग सकता है? नहीं, right angle triangle में सर तीनों लग सकते हैं। लेकिन सर RHS सिर्फ और सिर्फ right angle triangle में ही, कोई दूसरे triangle में सर RHS नहीं लगेगा।
अब सर आरएचएस क्या कहता है सर, राइट एंगल आर स्क्वायर राइट एंगल, मतलब सर कोई अगर सर मेरे पास ये देखो अब देखिए यार सर अगर मैं सर कमेंट करना चाहूं पी क्यू आर और ए बी सी पे, तो सर ये तो मेरा एक साइड इसके बराबर, दूसरा साइड इसके बराबर, अब एस एस ए ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या अपने पास, क्या प्रॉपर्टी एस ए एस, अगर एंगल होना था तो कहां होना था, यहां पे होना था आया ना, बट ये एंगल सिंस की क्या है 90 डिग्री, नाउ दिस इज माय राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज बराबर है, हां क्या कोई भी साइड बचा हुआ दो साइड में से कोई भी साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, कोरिस्पोंडिंग बराबर होनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी से कह रहे हैं ये देखने के लिए आपको सर सिंगल ट्रायंगल को देखना है, दोनों ट्रायंगल को देखना नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कि मैंने सर जब मैंने आपको बताया एस एस ए तो मैं देखिए मेरा हाथ कहाँ कहाँ गया, एक सिंगल ट्रायंगल में चला एस एस ए, आप सर क्या क्या ले रहे हो आपको सर सिंगल ट्रायंगल में, जब हम इसको ही देखेंगे तो आप यहाँ देखोगे एंगल साइड एंगल, क्या दो ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसी ट्रायंगल में देखिए सर क्या क्या लिए, जब आप इसको देख रहे हैं एंगल एंगल साइड, to name the property by which the triangle is congruent we have to look into a single triangle, aapko sirf aur sirf single triangle mein dekhne ki zarurat, theek hai, to name the property by which triangle is congruent you have to check the single triangle, theek hai, ye bahut 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 important point hai, theek hai, log aksar yahi garbad karte hain ki unko property ka naam hi nahi chamakta, to name it, look into a single triangle. Clear है? ये point. अब सर naming सर कैसे करें? Naming सर, आप जब यहाँ पर बोलते हो सर A B C is congruent to, सर this is a symbol for congruency, right? दो equal to उसके ऊपर में कर wave, ठीक है? A B C is triangle is congruent to P Q R triangle. अब सर मेरी बात को ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है सर? अगर मैंने इधर से AB उठाया वो किसके बराबर है, अगर मैंने इधर से BC उठाया और अगर मैं इधर से PR उठाया तो सर भाई जब ये लिख देंगे पूरा तो जो आपने स्टेटमेंट बोला होगा ये एंगल इसके बराबर है ये साइड इसके बराबर है तो वहां यहां से भी आपको वही गिवन चीज जो आपने लिखा है वो आपको यहां पर मिलना चाहिए, क्लियर है? अभी कई बार क्या होगा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है सर, ये दोनों सर बराबर है क्योंकि सर ये दोनों इक्वल है, अब सर यहां पर सर ये एक 90 डिग्री सर गिरा रहा, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ट्रायंगल को चलो ये दोनों सर अगर आपको बोला भी कि सर ये नहीं भी अगर आपको बराबर बताया, ठीक है, अभी सर देखिए अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो आप कह भी सकते थे सर अपोजिट साइड सर इक्वल, तो अभी सर क्या कहते सर ए बी सी डी, अभी सर अगर आपको सर इसको और इसको सर बराबर प्रूफ करना है तो आप सर बोलते सर किसको किसको बराबर प्रूफ करना है, BD और BC, तो सर BD सर किस ट्रायंगल में आ रहा है, किस राइट एंगल में ABD इन ट्रायंगल ABD, यहां पर नाम लिखते समय नहीं हिचकी जाना एंड ट्रायंगल ADC राइट, अब सर ABD में और ADC में तीन चीजें कमेंट करना, कितनी चीजें सिर्फ तीन चीजें खोज करके कहनी है और ताकि आपको एक रूल लगा देना, ठीक है, अब देखो मैं क्या कहूंगा सर ABD ए बी, अच्छा अब अगर मैंने इधर से पहला मैंने ए बी डी बोला है अब मुझे अब ए बी डी किसके बराबर है, ए सी रीजन क्या डालोगे इसका, गिवेन क्या है ये आपको गिवेन, अच्छा जो ये गिवेन लिखते हैं इसका मतलब क्या है, दिया हुआ है, अब जो गिवेन रहेगा इसके पहले आपको अपना यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवेन, इसका मतलब ये होता है ये जो गिवेन है इसका मतलब ये रेफर कर रहे हो आप कि मैंने जो गिवेन में स्टेट किया है वहां पर आपको इसका रीजन मिलेगा, समझ रहे हो,
तो मैंने सर गिवन यहाँ पर, अब जो जो कुछ भी गिवन है आप यहाँ पर पहले उसको लिख दो, क्लियर है। मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन किया, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन किया तो उसके गिवन के बाद क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, और रीजन क्या डालेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन से बराबर है तो रीजन क्या डालेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। अब मैंने बोला एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी इज गिवन। अब मैंने सर बोला कि एंगल, सॉरी एंगल क्या है, एबी इज इक्वल टू एसी, रीजन क्या डालोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आया ना। अब मैंने सर दो चीज बोली, तीसरा चीज क्या बोलूं, तीसरा चीज हमेशा सर जो छूट जाता है सर, एक चीज को देखिएगा, एडी इज इक्वल टू एडी एंड रीजन इज कॉमन, एडी सर दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, राइट। अब देखो सर एक सिंगल ट्रायंगल में आओ, इसी में मैंने एक एंगल कंसीडर किया, मैंने एक साइड कंसीडर किया ए एस एस, किस प्रॉपर्टी है एस एस का, एस एस में सर देखो कौन सा साइड होना चाहिए था, एस, तो फिर ये ए होना चाहिए था और ये एस होना चाहिए था, है क्या, नहीं सर ये एस एस से तो नहीं, तुम देखो ए सॉरी ए एस एस यही आ रहा है ना, तो सर ये तो हो नहीं रहा। अब सर जो AD इज इक्वल टू AD कॉमन कहा, या तो आप सर इसको हटाओ या आप AB इज इक्वल टू AC जो कह रहे हो आप इसको हटा करके क्या कहो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ADB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितने के बराबर है 90 डिग्री के, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो A A S, हाँ या ना, A A और S, क्लियर है, दिखा या नहीं दिखा, दिखा या नहीं दिखा, देखो ये एंगल 90 डिग्री दूसरा और ये तीसरा, क्लियर है, एंगल एंगल साइड। अब या अगर 90 नहीं कहने का इच्छा था सर, सॉरी अगर आपको सर ये ए बी को हटाने का इच्छा नहीं था, ठीक है, तो आप उसको हटाते एंगल बी को हटाते और बोलते सर एक 90 एक कॉमन और ए बी बराबर, तो देखो 90 आ गया, राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया एच और एक साइड आ गया, तो ट्रायंगल इज कॉन्वर्ज बाय आर एच एस। अब जब हम नेमिंग लिखेंगे तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्वर्ज टू, देखो ए डी किसके बराबर होना चाहिए, AD के, देखो AD AD के बराबर है, हाँ, AB AC बराबर है, हाँ, एंगल ABD ACD के बराबर है, तो ये नेमिंग बाय RH। अब यहाँ से क्या उठाना था, BD, मैंने उठाया सर ये बराबर BD इज इक्वल टू DC, किससे सर, CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, गलत सर, पहला सर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, पहला सर होता है करस्पॉन्डिंग, पहला होता है सर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब, समझ रहे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है, अक्सर लोग गलत करते हैं, होता है सर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में वो हमेशा बराबर होता है, वो यही बताता है सर, सीपी सीटी सी यही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए विद दैट्स इट लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू।